फ्रेंड्स, मिसेस माथुर की किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ घर पे और वो भी तवे पे बनी हुई नान की रेसिपी। जी हाँ, बाजार से हम नान लाते हैं वो बनी हुई होती है मैदा की, परंतु आज मैंने जो नान बनाई है उसमें मैदा के साथ आटा भी मिक्स है। आप चाहें तो इसे केवल आटे में भी बना सकते हैं। तो आइए शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी आपके साथ। जो सामग्री चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। ये गर्म दूध है, एक कटोरी दही, एक चम्मच सूजी, नमक, थोड़ी सी चीनी। चीनी डालने से बेकिंग सोडा का जो कड़वापन होता है वो दूर हो जाता है। ये एक चम्मच बेकिंग पाउडर है और ये आधा चम्मच के करीब बेकिंग सोडा है। सबसे पहले मैं ये दही के अंदर एक चम्मच सूजी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करके रख दूंगी। सूजी डालने से नान में बहुत अच्छा फ्लफीपन, मतलब फूली फूली सी बनती है और कुरकुरी अच्छी सी बनती है। तो ये सूजी डाल के मैं इसमें रख देती हूँ। सूजी मैंने एक साइड में रख दी है। अब ये दूध के अंदर मैं ये थोड़ी सी चीनी डाल दूंगी और थोड़ा सा नमक, और इसे भी मैं मिक्स करके अलग रख दूंगी। फ्रेंड्स, अपना तेल भी मैं इसी में डाल देती हूँ। 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें तेल डाला है। अब शुरू करते हैं हमारी मैदा और आटा। ये नान बनाते समय हमें मैदा और आटा को छानकर काम में लेना चाहिए, क्योंकि इससे इनके बीच की हवा निकल जाती है और इनको फूलने में और बहुत अच्छी बनती है। तो मैं ये सबसे पहले एक मैदा ले रही हूँ। ये 1.5 कटोरी करीब मैदा है मेरे पास और इसे मैं छान लूंगी। मैदा के साथ ही 1 कटोरी आटा भी मैंने लिया है, इसको भी मैं छान लूंगी। दोस्तों, मैदा की बनी हुई रोटी कई लोगों को सूट नहीं करती है, उनके पेट में भी दर्द हो जाता है, बड़े लोग खा नहीं सकते हैं। तो आप चाहें तो ये सारी रेसिपी आटे के साथ भी बना सकते हैं। आटे की भी नान बहुत अच्छी बनती है, पर मैं अभी आटा और मैदा मिक्स बना रही हूँ। अब इस आटा और मैदा को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब ये 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और इसके साथ ही ये दूध जो हमने गर्म रखा था ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। इसे थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए जिससे इसे आटा लगाने में सुविधा। अभी ये सूजी जो हमने घोल के रखी थी दही के साथ ये भी मैं डाल दूंगी, इससे इसमें बहुत अच्छा सा खट्टापन आता है जो नान के स्वाद को बहुत बढ़ा देता है। अब इसका हम आटा लगा लेंगे। आटा लगाने के लिए मैं इसको एक परात में शिफ्ट कर लेती हूँ। ये आटा देखिए इस तरीके से लग जाएगा। अभी ये थोड़ा गीला लग रहा है और ढंग से सेट भी नहीं हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से अच्छे से घूमते हुए मैं इस पे ऑयल लगा लेते हैं और उसके बाद उसको अच्छी सी फिनिशिंग देके तैयार करेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा आटा लग जाएगा। अब मैं इसको एक बाउल में, अगर आपके पास मलमल का कपड़ा हो तो उसमें रख दीजिए, मेरे पास ये मलमल का तो नहीं है, ऐसा सिंपल कपड़ा मैंने इसी में रख दिया इसको। और अब इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए किसी गर्म जगह पे रख देंगे। तो अगर आपके पास गर्म कोई ऐसी जगह नहीं हो, आप माइक्रोवेव को प्री हीट करके 5-10 मिनट उसमें रख दीजिए। 1 घंटे के लिए इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 1 घंटे बाद ये आटा मैंने निकाल लिया माइक्रोवेव से और ये देखिए काफ़ी अच्छा फूल चुका है। इसे मैं प्लेट में लेके इसको थोड़ी और फिनिशिंग कर लेती हूँ मैं थोड़ी सी। फिनिशिंग के लिए क्या करना है, थोड़ा सा ग्रीसिंग कर लीजिए प्लेट में या परात में, जहाँ पे भी आप इसको कर रहे हैं, और अच्छे से आटा एकदम सॉफ्ट और अच्छा ही, और इसमें थोड़ी सी देखिए लोच भी आ जाती है। ये देखिए इसे हम तवे पे ही सेकेंगे,
क्योंकि हमारे पास बेक करने के लिए ओवन या वो ना हो तो हम तवे पे बड़ी आसानी से इसे बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक तवा चढ़ा दिया है गरम, इसको अच्छी तेज आंच पे बनाना है। देखिए ये बन गया, बराबर भागों में काट दूंगी मैं, इससे मेरे एक साल वो बनेगी नान। इस आटे को भी बहुत अच्छे से फिनिशिंग कर लीजिए, इस लोई को। देखिए तैयार है, अब हम अपने चकले पे थोड़ा सा आटा या मैदा जो भी आपके पास है लगा करके हम इसे बेल लेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जितना बड़ा हम इसको बेलते हैं तो ये उठाने पे और सिकने पे थोड़ा छोटा हो जाता है सुखड़ने पे, तो इसलिए आप इसको अपनी साइज के हिसाब से बेलिएगा, क्योंकि ये पूरा बनने के बाद थोड़ा सा छोटा हो जाता है उठाने में रखने में, तो इसे उठाते समय थोड़ा सा खींच लीजिएगा। क्योंकि मुझे पता है ये छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा खींच लिया मैंने इसे। अब ये ऊपर थोड़ा सा ये कलौंजी आती है, थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल के इसको एक बार मैं और अच्छे से इस पे सेट कर देती हूँ। अब हमारा तवा अच्छा गरम है, इसको तेज आंच पे ही बनाना है। तो ये मैंने पूरा बेल लिया है, अब एक ये नमक और नमक का पानी मैंने तैयार करके रखा है। इस नान के दूसरी तरफ ये नमक का पानी लगा दूंगी, ये नमक के पानी वाला पोर्शन हमें तवे पे रखना है। इसे थोड़ा सा इस तरीके से हाथ से ये नमक के पानी वाला पोर्शन हमें तवे पे रखना है, ऐसे तेज आंच पे हमें सेकना है। बेकिंग पाउडर और दही इसमें हमने डाला, तो इसमें थोड़ा सा खमीर आया हुआ है, तो इसमें इस तरीके से बबल्स उठने लगेंगे। देखिए बबल्स उठ रहे हैं, मतलब ये सिकने लगा है। जब ये इस तरीके के बबल्स इसमें उठने लगते हैं, हम अपने तवे को उठाएंगे और उसको इस तरीके से सेक लेंगे 2 मिनट के लिए अच्छे। ये देखिए कितनी अच्छी सिकी है हमारी ये नान। हल्के से हम इसको चम्मच से उठा लेंगे। और अगर आपको लगता है ये ऊपर से और थोड़ी सी सेकनी है, तो इसे हम आंच के ऊपर भी सेक सकते हैं। वैसे ये तवे पे ही अच्छी सेक जाती है। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी नान तैयार हो गई, बिल्कुल बाजार जैसी। पर आप बटर लगाइए या घी लगाइए, जो भी आपको पसंद हो। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, बटर या घी से तवे से उतारने के बाद ही लगाइएगा, क्योंकि अगर हम इसे तवे पे ही लगा देंगे तो हमारी दूसरी नान बनने में दिक्कत होगी, वो उस पर चिपकेगी नहीं। ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसी नान तैयार हुई है दोस्तों। घर पे बनी हुई गर्मा गर्म नान ये आपको बहुत अच्छी लगेगी और बाजार से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी, क्योंकि मैंने ये प्योर मैदा में नहीं बनाई है, तो ये नुकसान भी नहीं करेगी। ये देखिए इसे तोड़ के बताती हूँ आपको, बिल्कुल इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा बना है, बिल्कुल बहुत ही टेस्टी बनी है मतलब ये। और इससे आप गर्मा गर्म
दाल मखनी के साथ या पनीर की सब्जी के साथ खाइए। दाल मखनी की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं उसका लिंक अभी आपको नीचे डाल दूंगी, तो आप उसके साथ ये गर्मा गर्म बनाइए। और फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स में बताइए आपको मेरी नान और दाल मखनी कैसी लगी। परंतु उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।